हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडस एचवीसी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम आपको ड्राई कोर चेंज करने का तरीका बताते हैं। ये ड्राई कोर की प्लेट है, इसके बोल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ये तमाम बोल्ट मैंने पहले लूज़ कर लिए थे ताकि आपका टाइम ज़ाया नहीं हो सके और जल्द से जल्द मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ उसका मकसद पूरा हो चुके। ये ड्राई कोर है D48। ये ड्राई कोर का मकसद ये होता है कि सिस्टम में से नमी एब्जॉर्ब करता है और कचरा, इसके अंदर एक स्टैंडर होता है जो कचरा और नमी सब वहीं रोक लेता है और आगे जब एक्सपेंशन वाला हमारा स्प्रे करता है उसको वहीं रोक लेता है। ये इसका स्टैंडर है, चौक हो चुका है। इसको पेट्रोल से मैं धो लेता हूँ, वॉश कर लेता हूँ अच्छी तरह ताकि जब मैं नया ड्राई कोर यूज़ करूँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ये अच्छी तरह मैंने इसको पेट्रोल से धो दिए। ये ड्राई कोर की जो कवर है उसको भी साफ़ कर लेता हूँ। ये अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और ये ड्राई कोर की प्लेट है, ये तमाम चीज़ें मैंने, ये स्प्रिंग है इसका, ये न्यू ड्राई कोर में यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, जब भी ड्राई कोर चेंज करें तो फ़ौरन इसको लगा कर उसी टाइम अंदर डाल दिया करें, वरना इसमें नमी आ जाएगी। सिलिका जेल से ये कवर्ड होता है, ये सिलिका जेल होती है बेसिकली ड्राई कोर में जो नमी एब्जॉर्ब करती है। जी दोस्तों, ये मैंने लगा दिया। ये D48 ड्राई कोर है, ये इसका स्प्रिंग है। जब आप ड्राई कोर का टॉप कवर लगाएं तो उसमें हल्की सी आयलिंग दे दिया करें ताकि गैसकेट अच्छी तरह बैठ जाए अपनी तरह अपनी जगह। आइए, इसका स्प्रिंग का खास ख्याल रखा करें ताकि ड्राई कोर के अंदर लूजिंग नहीं हो, ड्राई कोर पूरी तरह बैठ जाए अपनी जगह। इसके बोल्ट लगा लेते हैं। इसकी कुछ मुख्तलिफ साइजेस होती हैं ड्राई कोर की। ये एक स्टैंडर्ड है इसका, D48 कैपेसिटी ड्राई कोर की साइज में आता है। ये इसकी गैस किट्स है जो ड्राई कोर के साथ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।